Hi students, welcome to the channel. We'll continue with the same chapter, ratio, proportion and variation. आज हम लोग RPB के कुछ और ratios के कुछ और questions करेंगे. Let us go through the first question. क्या कहता है? कहता है, a shopkeeper bought three pens. A shopkeeper bought three pens. फॉर एवरी एट पेंसिल्स बॉट. कहने का मतलब है कि वो आठ पेंसिल खरीदता है तो तीन पेन खरीदता है. तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पेन इज टू पेंसिल. पेंसिल ये रेशियो होगा 3:8. हर तीन पेन पे, हर आठ पेंसिल पे तीन पेन खरीदता है. शॉपकीपर बॉट थ्री पेन्स फॉर एवरी एट पेंसिल्स बॉट. फिर कहता है, फॉर एवरी 33 पेन एंड पेंसिल्स बॉट ही परचेज्ड 9 इरेजर्स. सो ही आल्सो परचेज्ड इरेजर्स. और इरेजर्स क्या परचेज करता है? कहता है कि 33 पेन और पेंसिल का कंबाइंड नंबर, कंबाइंड परचेज जो है वो 33 होगा, तो इरेजर्स 9 होगा. अभी कितना है? अगर हम लोग इस रेशियो को ही नंबर ले लें तो 3 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स 11 हो रहा है. 11 को मुझे कितना बनाना है? 33 बनाना है, बिकॉज 33 पेन एंड पेंसिल एक साथ खरीदता है तो इरेजर 9 होता है. तो सेम रेशियो मेंटेन करते हुए मुझे 33 करना है. तो क्लियर है कि अभी 11 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 33 हो जाएगा. इसका मतलब अगर ये 9 होगा तो ये 8 × 3 24 होगा. 24 प्लस 9 33. सेम रेशियो मेंटेन्ड है 3:8. ये रेशियो तो मुझे मेंटेन ही रखना होगा, बिकॉज फॉर एवरी 8 पेंसिल्स ही हैज बॉट 3 पेन्स. सो पेन और पेंसिल का रेशियो 3:8 ही रहेगा. और इन दोनों का कंबाइंड 33 है, इसका मतलब कितना होगा? 9 और 24 होगा. और अगर ये दोनों मिला के 33 है तो इरेजर का नंबर दे रखा है. कितने इरेजर है? 9 इरेजर. ही परचेज्ड 9 इरेजर. सो 9 इरेजर हो जाएगा, राइट. तो इन तीनों का रेशियो क्या हुआ? इसमें से 3 कॉमन है, 3 निकाल दो. तो 3:8:3 अगेन. 3:8:3, दिस इज द रेशियो ऑफ पेन पेंसिल्स एंड इरेजर्स. फिर आगे कहता है, फॉर एवरी 70 पेन्स पेंसिल्स एंड इरेजर्स बॉट. 70 पेन्स पेंसिल्स एंड इरेजर्स बॉट ही परचेज्ड 20 ज्योमेट्री बॉक्सेस. सो पेन पेंसिल और इरेजर को का कंबाइंड नंबर कितना है? 70 है. जबकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 3:8 और 3:8 11 प्लस 3:14 है. अब 14 को मुझे 70 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इसी रेशियो को मेंटेन करते हुए. तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 15, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 15. एंड ऐसा होने पे एक और नंबर है क्या? ज्योमेट्री बॉक्सेस. सो ज्योमेट्री बॉक्सेस अगर हम लोग ले लें सो ज्योमेट्री बॉक्सेस हो जाएगा कितना है? 20 दे रखा है. सो 20. सो अगेन वी हैव गॉट आवर रेशियो 15 40 15 20. इसमें से 5 कॉमन है, 5 निकाल लो. तो जो रेशियो बनेगा दैट विल बी 3:8:3 एंड 5 4 20. सो 4. ओके. सो 3:8:3:4, दिस इज माई रेशियो. अभी कहता है आगे, इफ द नंबर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्सेस एंड पेंसिल्स बॉट. ज्योमेट्री बॉक्सेस है 4, पेंसिल्स है 8. इन दोनों का कंबाइंड नंबर बॉट इज 300 मोर देन द अदर टू. अदर टू कौन सा है? पेन एंड इरेजर. सो ज्योमेट्री बॉक्सेस एंड पेंसिल्स कंबाइंड इज 8 + 4 = 12 पार्ट. और अदर टू है 3 + 3 = 6 पार्ट. तो 12 पार्ट और 6 पार्ट. बोलता है 12 पार्ट अदर टू यानी 6 पार्ट से कितना ज्यादा है? 300 ज्यादा है. सो आई नो 12 पार्ट माइनस 6 पार्ट दैट इज 6 पार्ट. 12 पार्ट माइनस 6 पार्ट इज 300. आई होप दिस इज क्लियर. यहां पर रेशियो मिल गया. ये पेन है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये इरेजर है, ज्योमेट्री बॉक्स है. सो ज्योमेट्री बॉक्स एंड पेंसिल कंबाइंड इज 8 + 4 = 12 पार्ट. अदर टू इज 3 + 3 = 6 पार्ट. सो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 12 पार्ट माइनस 6 पार्ट इज 6 पार्ट. 6 पार्ट इज गिवन 300, बिकॉज ये इससे 300 ज्यादा है. सो 6 पार्ट इज 300. सो 1 पार्ट इज 50.
वन पार्ट इज 50, तो पूछा है हाउ मेनी इरेजर्स डिड ही परचेज, तो इरेजर्स यहाँ पे दिख रहा है कितना है, थ्री है, थ्री पार्ट, सो थ्री पार्ट विल बी 50 इंटू थ्री 150, सो द आंसर इज 150, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. सो दिस वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन कंबाइनिंग टू और मोर रेशियोज, बट द रेशियोज वेर नॉट गिवन इन अ नॉर्मल नो फैशन. जैसे पहले हम लोग क्या देखते थे, ए इज टू बी इज थ्री इज टू फोर, बी इज टू सी इज फाइव इज टू सेवन, सी इज टू डी इज 10 is to 9, and then we used to combine A is to and find out A is to B is to C is to D. यहाँ पे उस तरह से डायरेक्ट रेशियो नहीं दे रखा था. पेन पेंसिल, फिर पेन पेंसिल का कंबाइंड का इरेजर के साथ, फिर पेन पेंसिल इरेजर कंबाइंड का ज्योमेट्री बॉक्स के साथ रेशियो मुझे मालूम था. सो वी हैड टू नो डू इट नो स्लाइटली डिफरेंटली लाइक दिस. ओके आगे बढ़ते हैं. ओके लेट अस गो थ्रू दिस क्वेश्चन. क्या कहता है, ए एंड बी हैव सर्टेन अमाउंट्स विद देम, तो ए और बी के पास कुछ अमाउंट है. तो मान लो कि ए के पास ए रुपया है और बी के पास बी रुपया है. ऐसा कहता है, फर्स्ट बी गिव्स 22.22% ऑफ हिज अमाउंट टू ए. बी ए को देता है, कितना देता है, 22.22%. 22.22% का मतलब क्या होता है, 22/100, परसेंटेज मींस 100, है ना. सो 22.22 डिवाइडेड बाई 100, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यू विल सी दिस इज इक्वल टू 2/9. सो 22.22% बोले या 2/9 बोले, दोनों का मतलब एक ही होगा. सो बी ने ए को दिया कितना, 22.22 यानी 2/9, तो 2/9 दे देगा तो कितना बचेगा, 2/9 ऑफ बी जो यहाँ से आया, और प्लस इसके पास पहले से ए रुपया है, ये हो जाएगा ए का अमाउंट. और बी के पास कितना अमाउंट बचेगा, 2/9 चला गया तो कितना बचेगा, 7/9. 2 out of 9 चला गया तो कितना बचेगा, 7 out of 9. तो बी ने ए को दे दिया 22.22%. अब ए वापस बी को देगा 22.22%. तो इसका अपने अभी जो इसके पास अमाउंट है, ए के पास दिस अमाउंट, इसका 2/9 दे देगा. सो विल बी 2/9 ऑफ, तो 2/9 दे देगा तो बचेगा कितना, 2/9 दे देगा तो बचेगा 7/9. सो दिस विल बी 7/9 ऑफ 2/9 इनटू बी प्लस ए, है ना. ए वापस से बी को देगा 2/9, तो बचेगा कितना, जितना है उसका 7/9, तो 7/9. और इसके पास बी के पास जो अमाउंट हो जाएगा, दैट विल बी 7/9 ऑफ बी प्लस इसका 2/9 तो दिया, सो 2/9 ऑफ दिस अमाउंट, 2/9 ऑफ बी प्लस ए, इसका 2/9 चला गया, इसके पास 7/9 बचा, इसके पास पहले से था ये तो पहले से बचा हुआ, इस तरीके से. अब मुझे मालूम है कि पहले भी रेशियो ए इज टू बी था, आफ्टर दिस गिवन टेक अगेन द रेशियो इज 2:1. तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के पास अमाउंट भी सेम रहेगा, क्योंकि टोटल अमाउंट दोनों के पास मिला के कितना है, ए प्लस बी रुपीज, ए प्लस बी रुपीज ही ए इज टू बी में बट रहा है. यानी इसके पास ए बचेगा, इसके पास बी बचेगा. अगर 100 रुपया मुझे 3:2 बांटना है तो 60-40 बटेगा, तो 100 रुपया बाद में भी 60-40 हो जाता है, इसका मतलब वापस से रेशियो कितना होगा, 3:2. तो 3:2 मतलब 60-40, यहाँ भी 3:2 मतलब 60-40. तो ये अमाउंट अगर ए है तो ये भी अमाउंट ए होगा, ये अमाउंट बी है तो ये भी अमाउंट बी होगा, बिकॉज टोटल अमाउंट फिक्स है ए प्लस बी, और रेशियो भी सेम हो जाता है ए प्लस बी. इसका मतलब ये ए के बराबर है और ये बी के बराबर है. सो इसको ए से इक्वेट कर दो और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 7/9 ऑफ 2b/9 प्लस ए इज इक्वल टू ए. ये जो अमाउंट ए के पास बचा है दैट इज अगेन इक्वल टू ए, ये 9 उधर ले जाओ तो 7 times, सो दिस विल बी 14b/9 प्लस 7a प्लस 7a इज इक्वल टू 9a. सो 7a को उधर ले जाओ 2a, तो यहाँ से कह सकता हूँ 2a इज इक्वल टू 14b/9, 7 times
So A by B will be equal to 7 by 9. तो हम लोग देख सकते हैं ए इज टू बी जो आ रहा है आंसर दैट इज 7:9। तो यही पूछा था हमसे इनिशियली, उनके पास जो अमाउंट था उसका रेशियो बताइए, सो रेशियो इज 7:9। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन क्या कहता है, अ कंटेनर हैज टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 3:7 बाय वॉल्यूम। सो दो कंटेनर है, एक कंटेनर है उसमें दो लिक्विड्स है, there is a container in which there are two liquids A and B. Okay. फिर कहता है इनका रेशियो दे रखा है 3:7. तो मान लो कि इसका वॉल्यूम है 3x, इसका वॉल्यूम है 7x. ठीक है 7x. फिर कहता है इट इज पुट ऑन स्टोव टू बॉयल, इसको बॉयल किया जाता है. रेशियो ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ नो ए एंड बी इज 3:11. तो ए और बी का दिस इज वॉल्यूम और इनका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन है उसका भी रेट दे रखा है कितना 3:11. तो अगर इसको मान लो 3K, दिस विल बी 11K, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए एंड बी 3:11. फिर कहता है आफ्टर 25 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी लेफ्ट इन द कंटेनर आर इन द रेशियो 1:1. सो आफ्टर 25 मिनट ऑफ बॉइलिंग जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:1. ऑलराइट, तो पूछता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द कंटेनर एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए इज गिवन 6 ml/min. तो रेशियो मालूम है और रेट ऑफ इवेपोरेशन ए का दे रखा है, यानी 3K का वैल्यू मुझे मालूम है. ये रेट ऑफ इवेपोरेशन का रेशियो दे रखा है 11:3 या 3:11 और ए का रेट ऑफ इवेपोरेशन मुझे मालूम है दिस इज 6. तो इसका मतलब है कि के इज 2. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड बी विल बी 22 ml/min. तो 6 ml/min ए का हो गया, 22 ml/min बी का हो गया. तो 25 मिनट की बॉइलिंग है तो कितना हो जाएगा, ए का इनिशियल वॉल्यूम था 3x है ना, और एक मिनट में 6 ml जा रहा है, तो 25 मिनट में कितना जाएगा, 6 × 25. और टोटल वॉल्यूम बी का था 7x और 22 के रेट से 25 मिनट में कितना निकल जाएगा, 22 × 25 है ना, 22 है ना, 22 × 25. और ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी रहेगा लेफ्ट, और ये मुझे मालूम है दिस इज हाउ मच, 1:1 यानी 1/1. समझ रहे हो ना, ए का इनिशियल वॉल्यूम 3x, बी का इनिशियल वॉल्यूम 7x. एक मिनट में 6 ml जाएगा तो 25 मिनट में कितना इवेपोरेट हो जाएगा, 6 × 25. एक मिनट में 22 ml इवेपोरेट होगा तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा, 22 × 25. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए लेफ्ट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बी लेफ्ट, और दोनों का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 1:1. तो इसको सॉल्व कर लो. सो दिस इज 3x − 150 इज इक्वल टू 7x − 550. 22 × 25, 500 + 50, 550. ओके, सो उधर चला जाएगा, 4x विल बी 550, 150 कितना हो गया, 400. सो x इज 100, x इज 100. तो पूछता है फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. इनिशियल वॉल्यूम कितना था टोटल, 3x + 7x कितना था, 10x, और x की वैल्यू है 100. तो 100 × 10 कितना हो जाएगा, 1000 ml. सो योर आंसर इज सी ऑप्शन, 1000 ml. ऑलराइट, अगेन अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियोस. नेक्स्ट वन देखते हैं क्या कहता है. थ्री मेटल्स ए बी एंड सी हैव वेट्स इन द रेशियो 3:2:4. तीन मेटल है हमारे पास ए बी और सी, इनका वेट का रेशियो मालूम है कितना, 3:2:4. इनका वेट का रेशियो ए बी और सी के वेट का रेशियो 3:2:4 है. फिर कहता है रेशियो ऑफ देयर वेट्स
फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द मेटल्स इज 1:2:3। क्या मतलब हुआ इसका? कहता है कि अगर ए और बी और सी का हम इक्वल वॉल्यूम ले, मतलब से हम लोग ले ले 100 ml, 100 cm³ ऑफ ए, 100 cm³ ऑफ बी, 100 cm³ ऑफ सी, देन तीनों के वेट का रेशियो होगा 1:2:3। कोई भी बराबर वॉल्यूम ले ले, हम सपोज हम लोग ले लें 1 L ऑफ ए, 1 L ऑफ बी, 1 L ऑफ सी, है ना, तो भी उनका वेट का रेशियो क्या होगा? इट बी 1:2:3। सो अगर हम बराबर वॉल्यूम में लें ए बी और सी, तो तीनों के वेट का रेशियो कितना होगा? 1:2:3। तो ये क्या बता रहा है? दिस इज बेसिकली डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम सेम रखें तो सेम वॉल्यूम के लिए वेट्स का रेशियो जो आएगा वो क्या है एक्चुअली में? डेंसिटी है। बिकॉज जैसे अगर सपोज कहें वाटर का डेंसिटी इज 1 g/ml एंड लेट्स से कोई मेटल है जिसका डेंसिटी है 5 g/ml, तो 1 ml अगर हम लोग लेंगे वाटर और 1 ml लेंगे मेटल, तो दोनों का जो रेशियो आएगा दैट विल बी 1:5। मेटल वाटर इज टू मेटल, क्या आएगा वेट का रेशियो? 1:5। तो 1:5 बेसिकली क्या है? उनके डेंसिटी का रेशियो है। ओके सो अगर हम लोग 1 ml भी लेते हैं नो ए बी और सी, तो तीनों के वेट का रेशियो क्या आएगा? 1:2:3। सो 1 unit/ml, 2 unit/ml, 3 unit/ml। इसका मतलब क्या? ये क्या है? ये डेंसिटी है। सो डेंसिटी का रेशियो भी मुझे मालूम है। डेंसिटी का रेशियो इज 1:2:3। और डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी इज नथिंग बट वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम, सो दिस इज वेट बाई वॉल्यूम। और मुझसे पूछा है कि वॉल्यूम का रेशियो बताइए, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम विल बी वेट बाई डेंसिटी। वॉल्यूम विल बी वेट बाई डेंसिटी। सो आई नो वॉल्यूम विल बी वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट अपॉन डेंसिटी ले लो 3/1, 3, 2/2, 1, 4/3, 4/3, ठीक है। सो ये हमारा रेशियो हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट 9:3:4। तो तीनों मेटल का नो वॉल्यूम का रेशियो आ गया तो 9:3:4 इन दी अलॉय। अलॉय में जो रेशियो होगा दैट बी 9:3:4। तो पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ए बी सी इन द अलॉय, तो आई गेट माय आंसर इट इज 9:3:4। फिर सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल बी इन द अलॉय। बी इन द अलॉय, इसमें कुछ और भी डेटा दे रखा है ना। इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ए इन द अलॉय इज 60 cm³ मोर देन वॉल्यूम ऑफ मेटल सी इन द अलॉय, तो ए का वॉल्यूम सी से कितना ज्यादा है? 60 cm³ ज्यादा है। ए का वॉल्यूम कितना है? 9 parts, और सी का वॉल्यूम कितना है? 4 parts। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 5 parts। सो आई नो 5 parts इज इक्वल टू 60। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर। तीनों के वॉल्यूम का रेशियो आ गया अलॉय में 9 parts, 3 parts, 4 parts। सो ए और सी का वॉल्यूम का जो आ रहा है वो 9 parts और 4 parts आ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5 parts। सो दोनों का डिफरेंस मुझे मालूम है कितना है? 60 cm³। सो 5 parts इज 60, बिकॉज बोलता है ना ए जो है वो 60 cm³ ज्यादा है किससे? सी से। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 60। 9 parts माइनस 4 parts, 5 parts इज 60। सो 1 part इज 12 cm³। तो पूछा है किसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम निकालना है? बी का वॉल्यूम। तो बी का वॉल्यूम कितना है? 3 parts। सो हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ बी आएगा दैट विल बी 3 parts, दैट इज 36 cm³। 12 × 3, 36 cm³ विल बी योर आंसर। सो दिस वॉज अगेन बेस्ड ऑन फॉर्मूला दैट डेंसिटी इज वेट बाई वॉल्यूम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज 4 questions। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा भी आप लोग अपना एक नो प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन आपसे आराम से होने लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो विल टेक अप सम मोर क्वेश्चन ऑन रेशियोज। ऑलराइट, थैंक यू।